नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, आज हमारी ये जो है स्पेशल सेशन रहेगा आज का हमारा। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो लोग अभी इंटर में हैं या 11th में हैं। ठीक है, 11th में हैं या फिर 12th में हैं। ठीक है, इन लोगों के लिए ये सेशन रहेगा। ठीक है, अब सेशन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले आप लोगों से एक चीज़ कहेंगे। सबसे पहले जो लोग 11th और 12th क्लास में हैं, ठीक है, जो लोग 11th और 12th क्लास में हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि अपने क्लास के सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, अपने जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे कि उनको भी जानकारी हो जाए। ठीक है, आप लोग अच्छी किस्मत वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को ये यहाँ पे सब कुछ फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, वैसे हमारे समय पर ऐसा नहीं था। ठीक है, अभी आप लोग कहीं पे भी कोई सा भी चैनल देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च करके फ्री में आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो तो कोई नहीं होगा ऐसा। ठीक है, सभी लोग अपना कोर्स बेचते हैं और कोई गाइड करने वाला आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बड़ी किस्मत वाले हैं, आपकी अच्छी किस्मत है जो कि आप लोग हमसे कनेक्ट हो पाए। तो आप लोग अपने क्लास के लोगों को तो जोड़ सकते हैं ना हमसे, तो आप लोग सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको अभी आगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा आपका, यूट्यूब पर पहली बार होगा। ठीक है, यूट्यूब पर अभी तक तो ऐसा है नहीं, आगे कोई देख के कर ले तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी आप लोगों को ये सारा का सारा सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने अपनी तैयारी कैसे की थी। ठीक है, और ये आप लोग थंबनेल पर लिखा होगा कि आप लोग कैसे तैयारी करें जिससे कि आपके 80-90% तक आ जाएं। ठीक है, तो 80-90% तक आने के लिए ऐसे तो आ नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको मेहनत करने के लिए, आपको जो है मेहनत करवाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, आप लोगों को मेहनत करवाने के लिए हम तो तैयार हैं। ठीक है, जो टीचिंग होती है वो टू वे होती है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से कुछ होगा तभी आपकी टीचिंग प्रोसेस चल सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू कर दें, आपका मन ही ना आए, अगर मन नहीं है पढ़ने का और मैं शुरू कर दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम भी राज़ी होने चाहिए और आपको भी ये सारी की सारी बातें अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम भी यहाँ से शुरू कर दें और आप भी अपने घर पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दें, तब आपके जो है 80-90% आ सकता है। ठीक है, 80-90% तक लाने के लिए हम आपको ऐसा मैटर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, 80-90% तक इसी के बीच में आएगा आपका, अगर आपने जितना मैंने आपको बताया, केवल एक सब्जेक्ट की 5 से 6 क्लास लूँगा। ठीक है, 5 से 6 क्लास एक सब्जेक्ट की रहेंगी। ठीक है, 1 घंटे की हो सकती है एक क्लास, लेकिन उसी जो 5-6 क्लास रहेंगी उसी में से आपका सारा का सारा सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, तो 5-6 क्लासेस में अगर आप लोग एक सब्जेक्ट की 5-6 क्लासेस देखेंगे तो आपके जो पूरा का पूरा पेपर आता है ना, पूरा का पूरा इसी से फंस जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम आपसे बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब आपका पेपर होगा तो पेपर भी हम आपका यहाँ से चेक कराएंगे, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं अगर नहीं आया यहाँ से तो। ठीक है, तो 90 से 100% तक आपका इसी से रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना कैसे पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाने वाला मैं हूँ, तो आपको मैं अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप कर चुका हूँ, मथुरा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर चुका हूँ, आप लोग फ़ोटो भी देखते होंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो बताऊँगा वो अच्छा ही बताऊँगा, आपको जो बताऊँगा कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है। ठीक है, प्लान क्या बनाया हमने, हमने ये प्लान बनाया है क्योंकि 2-4 लड़कों से हमारी बात हो चुकी है इस टॉपिक पे, वो लोग हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कमेंट कर चुके हैं पहले से ही, वो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक है, हमने उनसे पूछा आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं,
तो एक लड़के ने कहा कि 100 से ज़्यादा हैं, एक लड़के ने कहा कि 300 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने उन दोनों तीनों लड़कों का रेशियो निकाला, ठीक है, एक क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, तो 200 के लगभग बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, 200 के लगभग बच्चे हो सकते हैं, ठीक। तो हमने ये प्लान बनाया है आपके लिए, अगर ये सारी की सारी आपको फ्री में क्लासेस मिलेंगे यूट्यूब पर, एक आप लोग ये चीज़ भी क्लियर कर लीजिए, ये जो क्लासेस होंगी 5 से 6 क्लास एक सब्जेक्ट की, 5 से 6 क्लासेस आपकी जो होंगी 11th और 12th की, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएंगी ये, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम से 5-10 दिन पहले तक आपकी क्लासेस ये हो जाएंगी। आपके बोर्ड एग्ज़ाम कब से हैं? 24 अप्रैल से हैं शायद आपके एग्ज़ाम, ठीक है, 24 अप्रैल से ही आपके शायद एग्ज़ाम हैं ये बोर्ड। उससे पहले आपको 5 से 6 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, ठीक है, उसी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए शर्त क्या होगी? शर्त क्या होगी? एक शर्त होगी आप लोगों से हमारी, ठीक है, हम आपसे पैसे तो ले नहीं रहे, ठीक है, अगर हम ये चाहें तो, ऐसा हम चाहें तो कम से कम आपका ये जो कोर्स है वो 10,000 रुपये महीने बेच सकते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, ये देने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम आपसे पैसे कमाना नहीं चाहते, ठीक है, पहली बात आप लोगों से पैसे कमाना नहीं चाहते हम, ठीक। दूसरी बात, आप लोग केवल हमारा इतना सहयोग करेंगे जो आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, एक लड़के ने कमेंट किया था कि 300 बच्चे हैं, ठीक है, एक बोल रहा था 180 बच्चे हैं, ठीक है, तो हमारे साथ तो बहुत लोग जुड़े हैं ना, कम से कम कितने भी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे 11th और 12th के, ठीक है। तो सब लोगों से सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, अपने जो है पूरे क्लास के बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जो हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोग अपने स्कूल में सभी बच्चों तक पहुँचा देंगे, ठीक है, आपका कोई ग्रुप बना होगा या आप लोग जब कॉलेज जाते हैं तो कैसे भी आप लोग उन तक ये वीडियो पहुँचाएंगे, ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है, पहली कंडीशन आपको वीडियो ये पहुँचानी होगी, ठीक, हर एक बच्चे तक, ठीक है, हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचानी होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ये बैच हम आपका कब शुरू कराएंगे? जब 500 लोग, ठीक है, 500 लोगों के हमारे पास मैसेज आ जाएंगे, ठीक है, क्लास शुरू करने के लिए कम से कम 500 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 500 लोगों के मैसेज आने चाहिए, ठीक है। मैसेज आप लोग कहाँ पे करेंगे? तो मैसेज के लिए आप लोग नंबर नोट करेंगे, मैसेज के लिए नंबर नोट करेंगे 7599557098, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7599557098, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आप लोग केवल मैसेज करेंगे, ठीक है, मैसेज में क्या लिखेंगे? नंबर नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको अलग हटा रहे हैं, 7599557098, ठीक है। अब मैसेज में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अपना नाम, एक पेज पे आप लोग ये सारा का सारा लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? नेम, ठीक है, पेज पे लिखेंगे नेम, उसके बाद अपना क्लास, ठीक है, क्लास 11th है तो 11th, 12th है तो 12th, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? अपना मोबाइल नंबर, जो चालू मोबाइल नंबर है, ठीक है, कुछ लोग जिस व्हाट्सएप नंबर से अपना मैसेज करेंगे वो चालू नहीं होगा, तो आप लोग चालू मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है, जो चालू मोबाइल नंबर है वो आप लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम आपके पास फ़ोन करेंगे, ठीक है, जो हम आपके पास फ़ोन करेंगे और जो जानकारी लेनी होगी वो हम आपसे जानकारी लेंगे, ठीक है, इसलिए आप लोगों को चालू जो फ़ोन हो उसी का आप लोगों को नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक और चीज़ लिखेंगे, एक और चीज़ क्या लिखेंगे? नेम हो गया, क्लास हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, और आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी लिखेंगे आप लोग, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, और उसके बाद अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, ठीक है, अपने स्कूल का नेम लिखेंगे। इतनी चीज़ें आप लोग, 5 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, 5 चीज़ लिख करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी इसलिए ली है क्योंकि बाई चांस हम कभी आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और स्कूल आप कहीं पर आपके स्कूल में आना जाना हुआ तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सारी की चीज़ें आपको ली गई हैं, ठीक है। तो हमारी एक पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी, आप लोग ये जो वीडियो है वो अपने सब क्लास के स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर हमारे पास 500 लोगों का मैसेज आ गया क्लास स्टार्ट करने के लिए, मैसेज क्या आया? क्लास स्टार्ट करने के लिए मैसेज आ गया तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 5 से 6 क्लासेस रहेंगी, ठीक है, और 5 से 6 क्लासेस में एक सब्जेक्ट की 5 से 6 क्लास रहेंगी, ठीक है,
उसी में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके लिए आपको केवल एक ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, कम से कम 500 बच्चे होंगे तभी हम आपका ये बैच शुरू करेंगे। ठीक है, नहीं तो हमारा जो यूपी कैडेट का बैच चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, और एक बात और बता दें आपको यहाँ पे, क्योंकि आप जो है 11th या 12th में होंगे अभी, ठीक है, तो अगर जो 11th में बच्चा है और वो हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, 11th में जितने भी बच्चे हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ से डबल फ़ायदा होगा। ठीक है, डबल फ़ायदा क्या होगा, उनका बेस मजबूत होगा। ठीक है, इसमें 11th और 12th दोनों के नंबर जुड़ते हैं ना, तभी तो आप लोगों का ये पता चलेगा ना कि टॉप किसने किया है। 11th और 12th मिला के आप लोगों की परसेंटेज जोड़ी जाती है, उसी हिसाब से मैंने टॉप किया था। मेरी 11th और 12th में दोनों सबसे ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट में थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट से टॉप किया था। ठीक है, ऐसा ही। अब जो 11th से बच्चा जुड़ा होगा उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि 11th का कोर्स यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है और 12th का कोर्स तो हो ही रहा है। ठीक है, जो हमारी यूपी कैडेट की क्लास चल रही है ना, तो 11th और 12th दोनों का कोर्स करा रहे हैं। अब अगर आप लोगों के बाई चांस 500 या 600 मैसेज आ गए तो हमारा ये कोर्स भी शुरू हो जाएगा, तो 11th वाले को फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, 12th वाले को इस कोर्स से और ज़्यादा फ़ायदा होगा, और 12th वालों को भी जो यूपी कैडेट की हमारी क्लास चल रही है उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग ये काम करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग तैयारी करेंगे और कैसे जब जल्दी से जल्दी। ये इसका टाइम कितना रहेगा, 5 मार्च तक केवल। ठीक है, 5 मार्च, आज 28 मार्च हो गई ना, 5 मार्च तक हम देखेंगे अगर आपके मैसेज आ जाते हैं। ठीक है, 5 मार्च तक अगर हमारे पास मैसेज आपके आ जाते हैं, मैसेज कितने आने चाहिए, कम से कम 500। ठीक है, कम से कम 500, अगर 500 मैसेज 5 मार्च तक आ जाते हैं तो हम आपका बैच शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर 499 भी अगर मैसेज आ गए तो हम आपका बैच शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम आपका आप लोग याद रखेंगे, टाइम केवल 5 मार्च तक है और 500 मैसेज आने चाहिए। ठीक है, 5 मार्च का अगर 6 मार्च हो गया, 6 मार्च तक आपके मैसेज आ पाए तो हम ये बैच जो है वो शुरू नहीं करेंगे, वो अगली साल से शुरू होगा। ठीक है, तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये सारा का सारा हम कर रहे हैं, तो आप लोगों का इतना दायित्व तो बनता है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे और लड़कों को जोड़ेंगे, जिससे कि अगर जो लोग पढ़ना चाहते होंगे वो लोग तो शेयर करेंगे ही, और जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं उनका तो कुछ कह नहीं सकते। तो आज का जो है वीडियो इतना ही रहेगा, आप लोगों को इतनी जानकारी देनी थी। ठीक है, जानकारी अगर अच्छी लगी हो, अगर ये बैच जो कोई पढ़ने के इच्छुक हैं और अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। ठीक, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।